नमस्ते दोस्तों। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको शेयर किया था कि 26,000 फ्लैट्स लॉटरी में अवेलेबल हैं सड़कों की तरफ से, और उस पे उसमें हमने कवर किया था उलवे की जो फ्लैट्स हैं उनको। आज हम कवर करेंगे खारघर और वाशी में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको। तो खारघर में यह तीन प्रोजेक्ट, पहला है खारघर रेलवे स्टेशन सेक्टर 1 और दूसरा है खारघर बस टर्मिनस सेक्टर 14 और तीसरा है खारघर बस डिपो सेक्टर 14। तो पहले हम चलते हैं खारघर में, सेक्टर 1A है वहां पे। तो ये रहा खारघर स्टेशन। खारघर कहाँ है हम देखते हैं पहले। तो ये है नई मुंबई। तो नई मुंबई में ये है पारसिक हिल, और पारसिक हिल का ये इलाका, यहाँ पे जूनागढ़, यहाँ पे वाशी, और यहाँ है खारघर, और ये है खारघर रेलवे स्टेशन। तो खारघर रेलवे स्टेशन के साउथ में, साउथ ईस्ट में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैपासाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट काम चल रहा है। ये मैप में इतना दिखाई देता है, आप अगर जाकर विजिट करेंगे वहाँ पे तो आपको दिखेगा कि इससे ज़्यादा काम हो चुका है। तो ये स्टेशन के बहुत ही नज़दीक है प्रोजेक्ट, और ये सारे फ्लैट्स 2 BHK के हैं, 1803 फ्लैट्स। इनका पोजेशन डेट है 31 दिसंबर 2026। तो ये है रहा लोकेशन। इसके आसपास हम देखें तो ओपन एरिया है, और यहाँ पे मैंग्रोव्स हैं, यहाँ पे तलोजा की खाड़ी है, कालुंद्रे रिवर, तो काफी ओपन एरिया है यहाँ पर। और अगर आपको मार्केट या फिर दिन भर के कोई भी सामान चाहिए तो आपको खारघर स्टेशन के नॉर्थ में जाना होगा, ऐसा मेरा विचार है यहाँ पे। खारघर में दूसरा लोकेशन है सेक्टर 14। सेक्टर 14 में 340 और 1700, टोटल 2040 घर अवेलेबल हैं, जिनका पोजीशन डेट है 30 जून 2025। इनका एरिया होगा 322 स्क्वायर फुट ऑलमोस्ट। हम यहाँ है खारघर में, खारघर जो खारघर विलेज मेट्रो स्टेशन है, उसके सामने जो डीमार्ट है उसके पास है ये प्रोजेक्ट। दिख रहा होगा यहाँ पर, यहाँ पर बिल्डिंग्स बन रहे हैं। तो ये है प्रोजेक्ट, ये जो पूरा एरिया है, साथ ये भी जो एरिया है, ये पूरा बिल्डिंग का काम चल रहा है। और इसकी दूरी देखते हैं, ये कितना दूर है स्टेशन से। इसके पास तो है ये डीमार्ट, और इससे वॉकिंग डिस्टेंस पर खारघर विलेज का मेट्रो स्टेशन भी है, और मेट्रो जाता है खारघर स्टेशन से होते हुए बेलापुर तक। और इस प्रोजेक्ट से खारघर स्टेशन है ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर। तो अगर अगर आप स्टेशन उतर के चाहे तो मेट्रो पकड़ सकते हैं, या फिर अगर आपके पास खुद का व्हीकल है तो खुद के व्हीकल से भी जा सकते हैं, या फिर आप और भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। खारघर के बाद
एक और लोकेशन है वाशी, तो वाशी में वाशी ट्रक टर्मिनस जो है सेक्टर 19 में, वहां पर 3,131 1 BHK के फ्लैट्स अवेलेबल हैं और इन सब का कारपेट एरिया है 322 स्क्वायर फुट। हम देखते हैं कि कहाँ पर है वाशी में एग्जैक्टली। तो ये रहा वाशी स्टेशन, और वाशी स्टेशन से यहाँ पर है ट्रक टर्मिनस पाम बीच रोड के पास। तो ये रहा पाम बीच रोड, ये है पाम बीच रोड यहाँ पे, और ये पूरा जो प्लॉट है इस पूरे प्लॉट में काम चल रहा है। इसे जूम कर देते हैं, तो इसमें बिल्डिंग का स्ट्रक्चर मुझे लगता है कि चारों तरफ से बिल्डिंग होंगे और सेंटर में शायद गार्डन या फिर कम्युनिटी हॉल होगा। हम अगले वीडियो में देखेंगे इसका डिटेल में जो डिजाइन स्ट्रक्चर है। साथ में हम ये देख लेते हैं कि ये कितना दूर है वाशी रेलवे स्टेशन से। तो जैसा कि मैंने गूगल मैप में देखा है, ये जो जगह है ये वाशी स्टेशन से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो वाशी बहुत ही डेवलप्ड नोड है नई मुंबई का, तो ये भी एक प्राइम लोकेशन है, तो इसमें आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। अगर आपके कोई सवाल हो या फिर कोई ओपिनियन या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।